गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा आज का जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 5, डिपॉजिटरीज। डिपॉजिटरीज क्या होती है, इसका पूरा कंसेप्ट कैसे काम करती है आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लिबरलाइजेशन प्रोसेस जब शुरू हुआ 1991 में, तो जो इंडियन कैपिटल मार्केट की थी, हम पीछे पूरा फुल फ्लेज चैप्टर पढ़ के आए हैं इंडियन कैपिटल मार्केट का। तो जो कैपिटल मार्केट थी उसका जो साइज था वो इंक्रीज हुआ। साइज इंक्रीज हुआ मतलब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होने लगी। पहले क्या होता था कि जब कैपिटल मार्केट में लोग शेयर्स को या डिबेंचर्स को या किसी भी सिक्योरिटीज को बाय और सेल कर रहे हैं, तो वो फिजिकल फॉर्म में उन्हें मिलती थी। फिजिकल फॉर्म मतलब कि अगर किसी ने शेयर खरीदे हैं तो सर्टिफिकेट मिलेंगे उन्हें कि इतने नंबर, हर एक शेयर के लिए एक अलग सर्टिफिकेट उन्हें मिलेगा और उस पर उनकी पूरी प्रॉपर डिटेल्स लिखी होंगी। जब कैपिटल मार्केट का जो साइज था वो इंक्रीज होने लगा, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इंक्रीज होने लगी, तो ये जो फिजिकल फॉर्म में आपकी डील हो रही थी चीज़ें, शेयर सर्टिफिकेट्स अगर किसी ने खरीदने हैं, किसी ने बेचने हैं, तो मूवमेंट शेयर सर्टिफिकेट्स की होती थी। किसी ने नाम चेंज करवाना है, किसी ने ट्रांसफ़र करने हैं, जो इशूअर है उसने अगर कोई बोनस शेयर देना है, राइट शेयर्स देने हैं या कोई और कॉर्पोरेट बेनिफिट्स देने हैं, तो उस केस में भी पेपर वर्क ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगा। तो उससे क्या था, काफ़ी दिक्कतें आने लगी, काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगी। उन प्रॉब्लम्स का नेचर क्या था, किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती थी, जैसे कि अगर आप फिजिकल शेयर्स को ले रहे हो, उन्हें खरीद और बेच रहे हो, तो डिलीवरी का रिस्क है, बैड डिलीवरीज का रिस्क है। शेयर सर्टिफिकेट है किसी का, पहुंच किसी के पास गया, थ्रू पोस्ट जा रहा है, या जो उस पर सिग्नेचर हैं वो अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगी अगर आप उसे खरीद और बेच रहे हैं। ट्रांसफ़र में डिले हो रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, या फेक सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस होती थी। जो ट्रेडिशनल सिस्टम था फिजिकल सेटलमेंट का शेयर्स में, तो वहाँ पे डिले, सिक्योरिटीज़ का एक्सेसिव पेपर वर्क, शेयर सर्टिफिकेट वापिस आप भेज देते थे, साइन मिसमैच हो रहे हैं या फेक सर्टिफिकेट्स आपको वो लग रहे हैं, सिक्योरिटीज़ को अगर अलॉट किया जा रहा है तो उसमें डिले होता था, या रिफ़ंड अगर आपको देना है तो उसमें डिले होता था, कॉर्पोरेट बेनिफिट्स मिलने में डिले, ट्रांसफ़र जब आप किसी को करते थे सिक्योरिटीज़ तो वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी पड़ती थी। आप शेयर्स, अगर आपके पास एक या दो शेयर्स हैं तो आप उन्हें बेच नहीं सकते थे, ट्रेडेबल लॉट्स में शेयर बेचे जाते थे कि अगर आपने शेयर्स में किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स में ट्रेड करना है तो मिनिमम 100 शेयर्स को आपको बाय या सेल करना पड़ेगा। एज एग्जांपल हम कह सकते हैं कि 100 जो शेयर्स थे वो ट्रेडेबल लॉट था। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स थी वो आती थी। तो इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए और जो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट है उसके स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करने के लिए जो डीमेटेरियलाइजेशन जो थी वो इंट्रोड्यूस की गई। और डीमेटेरियलाइजेशन जो इंट्रोड्यूस की गई वो किसके थ्रू की गई, उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी, किसकी ज़रूरत थी, उसके लिए ज़रूरत थी एक इंस्टीट्यूशन की जिसे हम डिपॉजिटरी कहते हैं। तो डिपॉजिटरी एक्ट 1996 बनाया गया जिसमें स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन स्टॉक मार्केट्स में 1996 में। स्क्रिप्टलेस का मतलब है पेपरलेस। नेक्स्ट, डीमेटीरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज से क्या हुआ, डीमेटीरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज होता क्या है, एक छोटा सा ब्रीफ यहाँ पे, आगे आपने इसको डिटेल में पढ़ना है, बट यहाँ पे एक छोटा सा ब्रीफ। जैसे आपने कोई सिक्योरिटी है, कोई सिक्योरिटी आपको इशू है, तो पहले क्या होता था, आपको शेयर सर्टिफिकेट्स मिलते थे और वो आपको पोस्ट कर दिए जाते थे। लेकिन अब एट प्रेजेंट क्या है कि अगर किसी ने किसी कंपनी के शेयर्स में सब्सक्राइब किया तो उसका डीमैट अकाउंट खुलता है। कंपनी जो होती है, जो शेयर्स उसे अलॉट कर रही है, तो वो शेयर्स उसके डीमैट अकाउंट में वो डेबिट और क्रेडिट कर लेते हैं। डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमेटीरियलाइज्ड इसका फुल फॉर्म है, डीमैट शॉर्ट फॉर्म है। डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट जैसे आपका एक बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट में आपके पैसे जो हैं, आपके जो मनी है, वो डेबिट और क्रेडिट होती है।
सेम तरीके से जो डीमैट अकाउंट होता है उसमें मनी डेबिट क्रेडिट नहीं होती, उसमें आपकी जो सिक्योरिटीज हैं, जो शेयर्स हैं या जो भी आपकी सिक्योरिटीज आपने परचेज की हुई हैं या सोल्ड की हुई हैं उसका रिकॉर्ड होता है। डीमैट अकाउंट में आप अपनी सिक्योरिटीज को डेबिट और क्रेडिट करते हो, आपने जो खरीदी हैं वो क्रेडिट हो जाएंगी, जो बेची हैं वो डेबिट हो जाएंगी। तो जिस तरीके से बैंक अकाउंट आपके मनी के लिए अकाउंट है, मनी आपकी डेबिट और क्रेडिट होती है, उस तरीके से जो डीमैट अकाउंट है वो आपकी सिक्योरिटीज के लिए अकाउंट है, आपकी सिक्योरिटीज जो है वो उसमें डेबिट और क्रेडिट होती हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उसे हम डीमेटेरियलाइजेशन कहते हैं। तो डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज होने से जो भी रिस्क हमारे, जो भी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड थी फिजिकल सिक्योरिटीज में, जब आप ट्रेड फिजिकल सिक्योरिटीज में ट्रेड कर रहे थे, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और ये सर्विसेज प्रोवाइड करवा कौन करवाता है? डिपॉजिटरी प्रोवाइड करवाता है। तो डिपॉजिटरी सर्विसेज और डीमैट फैसिलिटीज और जो बहुत सारे अदर बेनिफिट थे वो इससे आपको मिले, जैसे कि पेपर वर्क कम हो गया, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज में कम टाइम लगा, ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपकी कम आई, ऑड लॉट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप एक सिंगल शेयर को भी खरीद और बेच सकते हैं, इमीडिएट ट्रांसफर हो जाता है सिक्योरिटी का, कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं है अगर आप ट्रांसफर करवाना चाहते हो सिक्योरिटीज को, आपने आपको अगर सिक्योरिटीज अलॉट हुई हैं तो इमीडिएटली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगी। और इसके साथ साथ जो बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस है सिक्योरिटीज को जब आप बाय और सेल करते हो वो भी रिड्यूस हो गया, उसका जो टाइम पीरियड था जिसे हम सेटलमेंट पीरियड कहते हैं वो भी कम हो गया। तो गवर्नमेंट ने अब अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो कंपल्सरी ट्रेडिंग है डीमेटेरियलाइज फॉर्म में कंपनीज में के सिक्योरिटीज में, मतलब कि अगर आप शेयर मार्केट में जाते हो और वहाँ आपको सिक्योरिटीज को बाय और सेल करना है तो इट इज़ कंपल्सरी कि वो डीमैट फॉर्म में होंगी। तो वेरियस मेजर्स जो हैं गवर्नमेंट ने लिए, सेबी ने लिए, डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज का जो प्रोसेस है उसे एक्सेलरेट करने के लिए, उसे ग्रो करने के लिए। तो अब बात करते हैं डिपॉजिटरी क्या होती है। डिपॉजिटरी क्या होती है, इसे सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें, जैसे आपका बैंक होता है, बैंक आपका क्या रखता है, बैंक अकाउंट रखता है और उसको डेबिट और क्रेडिट करता है, वो सर्विसेज आपको देता है। सेम तरीके से जब हम स्टॉक मार्केट में बात करते हैं या हम कैपिटल मार्केट में बात करते हैं तो वहाँ आपका एक डिपॉजिटरी होता है। डिपॉजिटरी एक बैंक की तरह ही एक इंस्टीट्यूशन होता है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि वहाँ पे बैंक में क्या होता है, सिर्फ आपका एक बैंक अकाउंट होता है जिसमें कि से रिलेटेड आप ट्रांजेक्शन्स देख रहे हैं। डिपॉजिटरी जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप जो भी इन्वेस्टर कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करता है वो उसके डीमैट अकाउंट्स को मेंटेन करती है। किसके थ्रू? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? वो एजेंट होते हैं डिपॉजिटरीज के, जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं डिपॉजिटरी की इन्वेस्टर्स को। अगर किसी इन्वेस्टर ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो वो डायरेक्ट नहीं कर सकता, उसे पहले डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाना पड़ेगा। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट उसका डीमैट अकाउंट खोलेगा डिपॉजिटरी के पास और फिर जो आपका पर्सन है, जो इन्वेस्टर है, उसके उस डीमैट अकाउंट में जो भी उसकी सिक्योरिटीज, जो भी वो बाय और सेल कर रहा है, उसके उस डीमैट अकाउंट में वो डेबिट और क्रेडिट होंगे। अब यहाँ पे कहीं पे भी पेपरलेस, कहीं पे भी पेपर इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए इसे स्क्रिप्टलेस हम कहते हैं। तो डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है, जहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन्स आपकी सिक्योरिटीज में हो रही हैं बाइंग और सेलिंग की, वो इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री मेथड के थ्रू होती है, फिजिकल डिलीवरी नहीं होती है सर्टिफिकेट की। पेमेंट जो भी आप कर रहे हो वो चेक के थ्रू नहीं होती है। जो भी आपका पेपर वर्क है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी होती है ट्रांजेक्शन में, सेटलमेंट पीरियड कम हो जाता है और लिक्विडिटी जो है आपकी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटीज़ में वो इंक्रीज हो जाती है। इसी को हम स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फिजिकल डिलीवरी शेयर्स की नहीं है। स्क्रिप्ट यहाँ पे हम जिसे कह रहे हैं, स्क्रिप्ट का मतलब है सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जो डिपॉजिटरी सिस्टम है
वो अनेबल करता है कि आपकी जो फिजिकल स्क्रिप है, मतलब अगर किसी के पास फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज हैं तो वो फिजिकल फॉर्म में से उसे कन्वर्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उसे हम कहते हैं डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज। और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज हैं और आप उसे कन्वर्ट करते हो फिजिकल फॉर्म में तो उसे रीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कहा जाता है। अगर फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसे डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कहा जाता है। और अगर उल्टा कर रहे हैं, उल्टा मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज को कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसे रीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कहा जाता है। तो जो डिपॉजिटरी सिस्टम है वो अलाउ करता है इन्वेस्टर्स को कि वो कन्वर्ट कर सकते हैं अपने शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से फिजिकल फॉर्म में या फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। जो डिपॉजिटरी है वो होल्ड करती है सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं सिक्योरिटीज में वो इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस होती हैं। अब इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए जिस पर्सन्स की ज़रूरत होती है या कौन कौन पार्टीज जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं वो कौन सी हैं, डिपॉजिटरी वेरियस सर्विसेज जो ये प्रोवाइड करवा रहा है वो किसे प्रोवाइड करवाता है, इन्वेस्टर्स को, स्टॉक ब्रोकर्स को, स्टॉक एक्सचेंजेस को, कस्टडियंस को, इश्यूअर कंपनी एसेट्रा को, और वो प्रोवाइड किसके थ्रू करवाता है, अपने एजेंट्स के थ्रू। और उसके एजेंट्स को हम क्या कहते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, डीपीज हम इन्हें कहते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होता है, एजेंट है डिपॉजिटरी का जो डिपॉजिटरी सर्विसेज देता है इन्वेस्टर्स को। तो अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस जो भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, कस्टडियन, स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो एलिजिबल हैं टू एक्ट एज डीपीस। देन इसमें जो नेक्स्ट पार्टी इन्वॉल्व है दैट इज आपका इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को हम कहते हैं बेनिफिशियल ऑनर, BO के नाम से हम उन्हें कहते हैं। तो जिस जो बेनिफिशियल ऑनर है, जो इन्वेस्टर है, वो ओपन करता है डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू ताकि जो डीमेटेरियलाइज फॉर्म में है वो सिक्योरिटीज को होल्ड कर सकें। जो बैलेंसेस हैं इन्वेस्टर्स के अकाउंट में, उनके डीमैट अकाउंट में, उसको रिकॉर्ड करना, मेंटेन करना डिपॉजिटरी के पास, वो सारी जो सर्विसेज हैं वो डीपी करता है। और जो डीपी है वो प्रोवाइड करवाता है इन्वेस्टर को रेगुलर इंटरवल्स पर उनके अकाउंट की स्टेटमेंट, डिटेल जो आपके इन्वेस्टर को देती हैं कि कितनी सिक्योरिटीज़ वो होल्ड करता है, क्या क्या ट्रांजैक्शंस उसकी सिक्योरिटीज़ में हुई हैं, मतलब जो भी उसकी सिक्योरिटीज़ हैं उसने कौन सी सिक्योरिटीज़ को बाय किया है, कितनी नंबर ऑफ़ सिक्योरिटीज़ को बाय किया है, कब किया है, उनकी डेबिट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस जो भी हो रही हैं उसकी डिटेल्स जो हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट पीरियोडिक टाइम इंटरवल पर इन्वेस्टर को प्रोवाइड कराता है। जस्ट लाइक जैसे आपकी बैंक स्टेटमेंट आपको मिलती है उसी तरीके से आपकी डीमैट अकाउंट की जो स्टेटमेंट है वो आपको पीरियोडिक इंटरवल टाइम्स पे डीपी देता है। डीमेटेरियलाइजेशन होने के बाद जो शेयर होल्डर है वो कभी भी जैसे भी चाहे अपनी शेयर्स में डील कर सकता है, उसे बाय और सेल कर सकता है। वहाँ पे उसे एक्चुअल डिलीवरी ना देने की ज़रूरत है शेयर्स की, ना लेने की ज़रूरत है। इसका मतलब कि अगर उसने बाय और सेल किए हैं शेयर्स तो सिंपल एक इलेक्ट्रॉनिक एंट्री होगी और उसके अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट जो हैं सिक्योरिटीज़ वो हो जाएंगी। तो इस पूरे कंक्लूजन से क्या निकला कि डिपॉजिटरी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रिकॉर्ड रखती है सिक्योरिटीज का जो भी इन्वेस्टर ने उसके पास डिपॉजिट करवाई है। फिजिकल सिक्योरिटीज को वो लेती है और उसे कन्वर्ट करती है डीमेटेरियलाइज फॉर्म में। और ये जो सर्विसेज हैं, ये जो डिपॉजिटरी की हम बात कर रहे हैं, इंडिया में दो डिपॉजिटरीज हैं। एक है आपकी NSDL जिसे हम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड कहते हैं, और दूसरी है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड जिसे CDSL कहा जाता है। ये डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं। जो NSDL है उसका रैंक 1 है और जो CDSL है उसका रैंक 2 है। तो फीचर्स क्या है डिपॉजिटरी सिस्टम के, इसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।